अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेसन के अंदर लाइफ इन मक्का की सीरीज़ का अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, उसको डिस्कस करेंगे। वो है माइग्रेशन टू एबिसिनिया। एग्जैक्ट स्टेटमेंट स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द माइग्रेशन टू एबिसिनिया। ये फर्स्ट बैच भी है और ये सेकेंड बैच, दोनों बैच को अब हम डिस्कस करेंगे। तो पैराग्राफ की तरफ आते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जब हम बनाएंगे तो इस पैराग्राफ के अंदर हमने इंट्रोडक्टरी चीज़ें लिखनी है, इंट्रोडक्शन देनी है सारी चीज़ों का कि माइग्रेशन क्यों हुई। तो इसमें हम बताएंगे कि परसिक्यूशन जो थी वो चल रही थी, डिफ़िकल्टीज फेस हो रही थी, होली प्रॉफिट और उनके फॉलोअर्स जो हैं उनका रहना मक्का के अंदर मुश्किल हो रहा था। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है डिसाइड किया और अल्लाह की तरफ से जो है ये एक मैसेज आ गया, क्लियर मैसेज आ गया कि अब आप जो है मूव कर जाएं। फॉलोअर्स के लिए अभी मैसेज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन रखा था मक्का की सराउंडिंग में एक बहुत बड़ी किंगडम जो है वो थी, सेटल थी, और उसका जो किंग है असम, रियल नेम है बट ही वॉज़ नोन एज नजाशी, या उसको नीगस भी कहते हैं। तो ये बड़ा काइंड एंड जस्ट पर्सन है और बहुत अच्छा बिहेव करता है लोगों के साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुन रखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बैच तैयार किया और ये फिफ्थ ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है। मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड करवा दूँ कि फैक्ट्स बेटा, हमेशा फैक्ट्स के ऊपर आपने फोकस करना है। सो ये चीज़ जो है आपने दिखनी है कि फिफ्थ ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, यानी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 45 ईयर्स के हैं, आपने अपना बैच तैयार किया। 16 नंबर ऑफ़ पीपल इसमें तैयार किए गए, जिसमें 12 मैन एंड 4 वुमेन हैं, और इनके लीडर जो हैं हज़रत उस्मान को बनाया गया, और इसके अंदर आप सल्लम की डॉटर हज़रत रुकैया जो हैं वो भी शामिल हैं। तो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप वहाँ पे जाता है फिफ्थ ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड को। ये सारी बातें जो हैं ये हमारा पैराग्राफ जो है 1 के अंदर आएगा। अब हम पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 2 जो है ये सारा बैच 1 को ही देंगे। उस पर आपने बताना है कि ये जो फर्स्ट बैच है ये जब वहाँ पे पहुँचा तो इनका बहुत अच्छा वेलकम किया गया और नजाशी जो है वो बड़ा खुश हुआ इनको, उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बिहेव किया। लेकिन जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने 2 मंथ्स के बाद एक र्यूमर, एक फॉल्स न्यूज़ जो है वो मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि मोस्ट नंबर ऑफ़ द पीपल जो है, जो कुरैश के लोग हैं, उन्होंने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ मैसेंजर एक्सेप्ट कर लिया है और इस्लाम को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये चीज़ें जो थी बड़ी शॉकिंग थी इनके लिए और ये बड़े खुश भी हुए। तो यहाँ से ये लोग जो है ये वापस मक्का की तरफ आते हैं। तो ये चूँकि फॉल्स न्यूज़ थी, ये लोग अब मक्का में आए तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर जब आके इन्होंने देखा तो उसी तरह से डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो चल रही हैं। फर्दर 2 ईयर्स जो है ये लोग जो है ओवरऑल मुस्लिम जो हैं उनको सेम डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारी बातें यहाँ तक आपके पैराग्राफ नंबर 2 में आएंगी। अब हम मूव करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में। पैराग्राफ नंबर 3 जो है सेकेंड बैच को देंगे। इसके अंदर जो बात आपने लिखनी है वो ये है कि 7th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर डिसाइड करते हैं कि दूसरा ग्रुप जो है वो भेजा जाए। तो अब नंबर ऑफ मुस्लिम जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इसमें 101 नंबर है, जिसके अंदर 83 मैन है और 18 वुमेन है। एक चीज़ स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट बुक्स में ये नंबर जो है वो डिफरेंट दिए जाते हैं, चूँकि डिफरेंट हिस्टोरियंस जो हैं इनके बारे में लिखते हैं। तो अथेंटिक जो है इब्ने इसहाक, तो उनसे जो है वो फर्दर एक बहुत बड़ी बुक जो मैं अक्सर रिकमेंड करता होता हूँ, सीड नेक्टर के अंदर ये नंबर 101 लिखा हुआ है, तो आप भी इसी के ऊपर फोकस किया करें। सो 101 नंबर ऑफ मुस्लिम जो हैं ये सेकेंड बैच बनता है और ये पहुँचते हैं 7th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में नीगस के पास। अच्छा, अब जब वहाँ पर ये पहुँच गए और वहाँ ये न्यूज़ जो कुरैश की तरफ आई वो ये थी कि अच्छा खासा नंबर जो है मुसलमानों का यहाँ से माइग्रेट करके जा चुका है। तो कुरैश के लोगों ने डिसाइड किया कि वो डेलीगेशन भेजेंगे। तो उन्होंने 2 इन्वॉय जो थे वो भेजे कुरैश की तरफ से, वो गए निगस के पास। वो कौन थे? एक का नाम अब्दुल्ला बिन रबी और दूसरा का नाम जो है वो अमर बिन आस हैं। अमर बिन आस बाद में मुसलमान भी हो गए, तो इनका तो बहुत बड़ा नाम है। सो ये लोग वहाँ पे पहुँचे एज अ डेलीगेशन, एज अ इन्वॉय बन के अब वहाँ पे गए। तो इन्होंने कोशिश की, इंस्टिगेट करने की कोशिश की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश की, लेकिन निगस ने कहा कि मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लेना चाहता हूँ। सो निगस ने स्पोक पर्सन ऑफ मुस्लिम जो थे हज़रत जाफ़िर, उनको बुलाया और हज़रत जाफ़िर से जो है पूछा कि ये क्या मसला है, आप सारी बात बताएं। तो हज़रत जाफ़िर ने जो है एक बहुत हिस्टोरिकल स्पीच दी, जिसके अंदर उन्होंने मेन पॉइंट जो है वो बताए। वो जो मेन पॉइंट्स हैं आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं, मेन थीम जो है उसमें वो उन्होंने यही बताया कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इग्नोरेंस एंड वी यूज़ टू किल आर चिल्ड्रन, स्पेशली आर डॉटर्स। तो इमोडेस्ट एक्टिविटीज़ में भी इंगेज थे। तो अल्लाह ताला ने फिर बहुत बड़ी ब्लेसिंग की, हम में से ही एक प्रॉफिट भेजा जिन्होंने हमें राइट पाथ जो है वो शो किया और हमें इमोडेस्ट एक्टिविटीज़ से निकाला, अल्लाह की तरफ लेकर आए, हमें तौहीद के बारे में बताया, वननेस के बारे में बताया, लेकिन हमारे जो लोग हैं दे टर्न अगेंस्ट अस।
तो ये इस वजह से ये सारी जो सीरीज़ है वो सारा कुछ उन्होंने बताया। तो इस पर निगस बड़ा इम्प्रेस हुआ और उसने देने से इनको रिटर्न करने से इनकार कर दिया। ये लोग गिफ्ट भी साथ लेकर आए थे तो उसने उनको गिफ्ट भी जो है वो वापस करने का कहा। तो यहाँ तक जो है ये पैराग्राफ नंबर 3 आपने लिखना है। इसके बाद हम मूव करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर की तरफ। और पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो आपने स्टार्ट करना है, ये नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम पर ये लोग जो इन्वाय आए थे तो इन्होंने, चूँकि इनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट फेल हो गई तो इन्होंने अगेन कोशिश की कि किसी तरह से ये नंबर ऑफ़ मुस्लिम जो हैं इनको ये रिटर्न कर दें। तो उन्होंने निगस को बताया, अब उन्होंने बेसिकली एक रिलीजियस कार्ड खेलने की कोशिश की। अब उन्होंने कहा कि ये आपके रिलीजन के बारे में बहुत रॉन्ग व्यूज़ रखते हैं। तो इस पर निगस को भी क्यूरियोसिटी हुई, उसने कहा कि ओके मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लेता हूँ। अगेन स्पोक पर्सन ऑफ मुस्लिम जो हैं हज़रत जाफिर, वो आए और उन्होंने अपना नैरेटिव जो है वो बताया और बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। सूरह मरियम चैप्टर नंबर 16 जो है उसके अंदर की जो इनिशियल वर्सेज हैं उनको आपने जो है वो रिसाइट किया और उसमें आपने वो चीज़ बताई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी बर्थ के बारे में मुसलमानों का व्यू क्या है और अल्लाह ताला उसके बारे में किस तरह से हमें गाइड करते हैं। तो जब निगस ने कुरान सुना और वो जो वर्सेज सुनी तो उसका दिल बड़ा सॉफ्ट पहले से ही था, बड़ा मोल्ड हो गया। और वो उसके बाद उसका जो रिप्लाई था वो कुछ इस तरह से था, वो कहता है कि बाय गॉड दिस मींस ये कुरान एंड द बाइबल आर द रेज ऑफ द सेम लाइट, या कैंडल का वर्ड भी कहीं पे आप लिखा हुआ है। सो ये चीज़ें जो थी ये बड़ी इंकरेजिंग थी मुसलमानों के लिए। और उसके बाद निगस ने अगेन वो गिफ्ट भी रिटर्न किए और लोगों से भी कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, ये लोग अब मेरे जो है रॉयल होंगे, गेस्ट होंगे। सो मुसलमानों को मेरे बेटे ये एक प्लेस मिल गई, सेफ एंड सिक्योर प्लेस मिल गई, जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम भी है, जहाँ पे बहुत सुकून से वो प्रीचिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे वो रह भी सकते हैं और सिक्योरिटी का भी अब कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक की ये सारी बातें ये पैराग्राफ नंबर 4 में आएंगी। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, माइग्रेशन टू एबिसिनिया। लास्ट ईयर भी बड़े चांसेस थे ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक दफ़ा और मे भी दोबारा आ जाए, तो इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आपने बेल आइकन बटन के ऊपर भी प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।